सिर्फ ख्वाबों से नहीं घर बनता है इरादों से। द पाम्स एसकेएम 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मकतब फैजान वलीउल्लाह का पहला सालाना जलसा तकमील नाजिरा कुरान मजीद और तकसीम असनादात व मुकाम सुलेमान डेयरी फार्म तालाबकट्टा हैदराबाद तेलंगाना में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत नाजिम मकतब हाफिज़ उकारी मिर्ज़ा रिजवान बेग मजहरी ने फरमाई और सरपरस्ती हजरत मौलाना हाफिज़ उकारी मोइनुद्दीन कादरी मुल्तानी साहब ने फरमाई और निगरानी हाफिज़ उकारी मिर्ज़ा मुनव्वर बेग ने फरमाई, जिसकी बानी अलहाज मिर्ज़ा माजिद बेग साहब है। मेहमान खसूसी के तौर पर मुफ्ती मुबीन साहब मुफ्ती अहमद साहब मौजूद थे और इस मौके पर बहुत से हुफ्फाज़ उलमाए भी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने दुआओं से नवाजा और मुफ्ती मुबीन साहब की दुआ से जलसे का इख्तिताम अमल में आया। जलसे में बच्चों के वालिदैन के अलावा रिश्तेदारों ने भी शिरकत की और मकतब फैजान वलीउल्लाह में दी जाने वाली तालीम की सताइश की। यहाँ बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करते हुए इनकी दुनिया और आखिरत संवारा जाता है। आइए देखते हैं इस खसूस में इस तकारीब के चंद खास झलकियाँ हमारे नुमाइंदे अरबाज हुसैन की यह खास रिपोर्ट में। एसकेएम 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए एसकेएम 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह। सैफुल्लाह खान, रुदिया शाजीन, खालिद बिन मोहम्मद अल कसेरी, मरियम बिनते मोहम्मद अल कसेरी। एक मिनट इधर देखिए, इधर देखिए, गुलपोशी करें, शालपोशी करें। एक मिनट इधर देखिए, उनके हमारे जाफिया खुशबा इतने मनाना है जो निशानदाही कर रही है। सूरज और चांद का निजाम, बारिश और आसमान से मनसा, मुला जमीन से जिंदा होना, ये ताकत और कमाल खुद इंसान को अल्लाह कुदरत और अल्लाह कुदरत और कुदरत का मजाहरे अपनी मुख्तलिफ किस्म के जाना छुप पाए। अल्लाह ही कुदरत का मजाहरे जिसको अल्लाह खुद ने अपनी मजा के लिए बनाए हैं। मेरे भाई अल्लाह ने कुदरत में बात किया रे, किसी सहाबा के पावन नहीं है। इसलिए इस वजह हजरत साहिल अलैहि सलाम की कौम पर बादल से आग बरसाकर हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम को हलाक करने के लिए तनूर से पानी निकालकर हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम के लिए उठनी से पहाड़ से उठनी निकालकर हजरत साहिल अलैहि सलाम की कौम के लिए हजरत साहिल अलैहि सलाम की कौम के लिए पहाड़ से उठनी निकालकर हजरत मूसा अलैहि सलाम की आत्म हिफाजत करवाकर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की कौम पानी में उनकी कौम के लिए पानी में रस्सा बनाकर मकड़ी जैसी कमजोर अफजल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। ये बात है अलग ही कुदरत की मोहताज नहीं, किसी सहाबा की मोहताज नहीं। इसलिए अगर हम भी अल्लाह की कुदरत को पहचान कर उनसे रिश्ता जोड़ लेंगे और उनसे रिश्ता जोड़ेंगे तमाम मखलूक से बेनियाज कर देंगे। अल्लाह हमारे अब आखिर में दुआ के अल्लाह हम सबको हमारे कले की करके पता कर है ना थी? आवाज़ से बोलो शाल जी। इसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती मुबीन साहब पासी जैद मजदूर की दिलपोशी करना है। इसके बाद हजरत मुफ्ती अहमद साहब की दिलपोशी फरमाई।
अब मैं अपने इस प्रोग्राम के بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم محترم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے احسان ہے شکر ہے الحمدللہ آج مکتب کا مکتب فیضان ولی اللہ علیہ الرحمہ کا پہلا سالانہ جلسہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 طلبہ اور 2 طالبات جملہ 7 بچوں نے ناظرہ قرآن تکمیل کیا تجوید کے ساتھ ایک سال کی مدت کے اندر ان طلبہ نے امتحانات کے سلسلے میں اور امتحانات دے کر اپنے اساتذہ کے پاس رات اور دن کی فکروں اور محنت و مشقتوں کے ساتھ یہاں پر پابندی کے ساتھ آئے الحمدللہ روزانہ سبق پابندی کے ساتھ سنایا اور سارے اصول و ضوابط کے ساتھ روزانہ سبق بھی سنائے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ان 7 طلبہ اور طالبات نے پائے تکمیل تک پہنچا اور آنے والے مہمانان کرام ہمارے حضرت مولانا مفتی مبین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی بیان اور خصوصی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہمدرس مولانا مفتی احمد صاحب بھی تشریف لائے اور اس کے علاوہ دیگر مہمان کرام اور سارے والدین اور سارے اطراف و اکناف کے سارے افراد بھی موجود تھے میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ تمام اشخاص کا اور تمام ناظرین کا اور ہمارے یہاں پر کام کارکنان جتنے بھی سارے میرا تعاون کریں میں بھی ان کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور میں اس جلسے سے آپ سب کو اس چیز کی ترغیب دے اس بات کی ترغیب کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے نو نہالوں کو اور اپنے گھر میں رہنے والے عورتوں کو دین سے جوڑے رکھے ان کے لیے اپنا قیمتی وقت سرمایہ دین کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے سارے قوم کے بچے ہمارے سارے بچے اور بچیاں سنتوں کے مطابق نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے فرما بردار بنے اور ہمارے سارے محلے کے سارے بچے اور ہمارے سارے بچے نمازوں کے پابند بن جائیں میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام الحمدللہ آج بروز اتوار مکتب فیضان ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سالانہ جلسہ و ناظرہ قرآن تکمیل کا پروگرام منعقد ہوا جس میں 5 طلبہ اور 2 طالبات نے قرآن مجید کو مکمل فرمایا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے لیے چنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو انسان اس کے ساتھ اور جنات کو بھی ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا
तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को, चाहे लड़के हो या लड़कियां हों, उनको क़ुरान की तालीम दिलाने के लिए मकातिब को, मसाजिद को जो है सो हम भेजें, मदारिस को भेजें। हम जो है सो बहुत सारा वक्त 8 घंटे 10 घंटे जो है सो स्कूल की तालीम के लिए भेजते हैं, 2-2, 4-4 घंटे जो है सो ट्यूशंस के लिए भेजते हैं, जबकि ये तालीम जो है सो दुनिया के अंदर ही बाकी रह जाएगी। दीन की जो तालीम है ये दुनिया में भी बाकी रहेगी और कल क़ियामत में भी बाकी रहेगी। हदीस पाक में आता है कि जो लड़का या लड़की क़ुरान को हिफ्ज़ करते हैं, यानी क़ुरान को अपने सीने में महफूज करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़ियामत के दिन उनके वालिदैन को ऐसा रोशन ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी जो है सो आफ्ताब से भी ज़्यादा होगी, यानी सूरज से भी ज़्यादा होगी। मैं जो है सो हाफिज़ रिजवान साहब जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, उनको और उनके वालिद मोहतरम और उनके साथ साथ जो भी और असातिज़ा हैं, उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है सो बेहतरीन अंदाज़ में ये 1-1.5 साल के वक्त में खिदमत अंजाम दी और पहला सालाना जलसा जो है सो मुनाकिद फरमाया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसी तरह जो है सो इनको और हम तमाम को अल्लाह तबारक व ताला खिदमत खल्क के लिए जो है सो कबूल फ़रमाए। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।